एसबीआई मुद्रा लोन का एक एरर है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा लोन, और इसके लिए आपको बैंक विजिट करते हो तब भी आपका इसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर आपको इसमें लाइव सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ, साथ में आपको एक रीजन भी बताऊंगा एंड आपको एक अपडेट भी बताऊंगा कि कौन सा एक नया अपडेट आया है एसबीआई मुद्रा लोन में। अगर आप एसबीआई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हो या फिर आपके पहले से ही एरर देखने को मिलता है तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियो बनाई है रिक्वेस्ट डालने के लिए, आपको मेल करने के लिए, या फिर आपको काफी बार ये बोला कि आपको बार बार ट्राई नहीं करना इसके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग आपको इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस एरर को रिसोल्व कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको वीडियो एंड से देखना होगा। एंड मैंने एक वीडियो रिसेंट भी बनाया था, कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने सिविल स्कोर के लिए बताया था कि कैसे अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। तो उसमें हम ट्रेंड्स एंड कंडीशन रखेंगे कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है, मतलब कि आपका जो ओवरड्यू अमाउंट होता है, अगर आपसे 20,000 से ज्यादा होगा तभी आपका जो सिविल स्कोर है इंक्रीज होगा। ये नहीं कि अगर आपका 5,000 लोन एक्टिव है तो उस पे आपको सिविल स्कोर सही करवाना है, अगर आपका अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा पेंडिंग होगा और ड्यू होगा तभी आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा सिविल के लिए अपडेट था। साथ में आपको ऐसे मुद्रा लोन के भी अपडेट बताऊंगा कि जो एसबीआई मुद्रा लोन अपडेट है ये ऑल इंडिया के अंदर, मतलब कि जैसे अभी बिहार के अंदर स्टार्ट नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट नहीं है, और भी कई स्टेट है जहां पे स्टार्ट नहीं है, जैसे ओडिशा हो गया, अब वहां पे कब स्टार्ट होगा, वहां पे ये अभी अप्रैल के अंदर ही स्टार्ट होगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। अभी जहां पे स्टार्ट है जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, एंड दिल्ली हरियाणा, जहां भी पंजाब में भी अवेलेबल है, एंड आंध्र प्रदेश में भी अवेलेबल है, जहां पे भी अवेलेबल है यहां तक अभी फरवरी तक और अवेलेबल रहेगा। फरवरी के बाद में लास्ट ईयर जो मंथ आता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है मार्च, उसके अंदर ये आपको बंद हो जाएगा, मतलब कि एसबीआई मुद्रा लोन। एंड इसके लिए इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। अगर जिसका सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल एरर आ रहा है तो उनका सिविल अगर 700 प्लस है तो उनका सोल्यूशन भी हो जाएगा, और कैसे होगा वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है और आपको एरर आ रहा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल तो उनका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या फिर आप फर्स्ट कभी भी आपने लोन नहीं लिया और फिर भी आपको एरर देखने को मिलता है तो तब भी आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। एंड इसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको खुद आपको बता दूंगा, नहीं कि आपको मैं करके देने वाला हूँ, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केसेस में कि आपको ऐसे लोन के कभी मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट जो भी होगा डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे आपको अप्लाई करना है, और आपको कुछ नई फाइल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक पीडीएफ फाइल भी अप्लाई कर दूंगा, एंड जिसमें आपको देख के पूरी फाइल आपने कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।